अच्छा, इस वीडियो में हम अकाउंट को ओवरव्यू करते हैं कि अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आ जाते हैं टोटल रेफरल्स, आपके जितने भी टोटल रेफरल्स हैं, जिसमें रिफ्यूज़ भी, अनवेरीफाइड भी और वेरीफाइड भी। और फिर आ जाता है पेड रेफरल्स, ये वो रेफरल्स हैं जिनकी पेमेंट्स आपको मिल चुकी है। फिर आ जाता है अनपेड रेफरल्स, ये वो रेफरल्स हैं जिनकी पेमेंट आपको अभी मिलनी होती है। मतलब आप आज कोई सेल करते हो या कोई किसी को ज्वाइन करवाते हो, तो आपका एक रेफरल बन जाता है, वो अर्निंग अनपेड होगी। ठीक है, अनपेड जो है वो सैटरडे वाले दिन पेड हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। जब तक अनपेड है तब तक वो यहाँ पे रहेगी। मतलब मेरे 10 अनपेड रेफरल्स हों और मेरे यहाँ पे कोई $100 हो, 120 या $130 हो, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का, क्योंकि मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ अभी, सेल्स पे मैं नहीं जा रहा। इन केस मेरे 10 सेल्स रेफरल्स हो, यहाँ पे $1,000 हो, ऐसे भी बोला जा सकता है, इतना बेनिफिट है इस वेबसाइट से। तो ये चीज़ें दो आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है इनको, और पेड का इसके साथ कंपैरिजन होता है, टोटल रेफरल का इन सबके साथ होता है। और ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो एवरी सैटरडे को यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अगले सैटरडे। फिर आ जाते हैं नीचे अर्निंग ओवरव्यू, ये फॉर लास्ट 30 डेज का ग्राफ होता है, जो आप काम कर चुके होते हैं पिछले 30 डेज में, उसका ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा होता है, कितने आपको क्लिक्स मिलते हैं, कितने आप अर्निंग करते हो, और अनवेरीफाइड रेफरल्स आपके कितने होते हैं पिछले मंथ, और क्लिक्स आपके कितने होते हैं, कन्वर्जेशन रेट क्या होता है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, एफिलिएट आर ऑटोमेटिकली पेड ऑन एवरी सैटरडे बिटवीन 9 PM टू 6 AM ईस्ट। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केटिंग में। अच्छा, ये आपका यहाँ पे यूज़र नेम शो होता है, यानी प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हो यहाँ से जाके। फिर आ जाते हैं मार्केटिंग में, एफिलिएट लिंक्स में। एफिलिएट लिंक्स में ये आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स है, यहाँ पे आपका एफिलिएट लिंक है जिसको आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, पूरा आपने कॉपी करना है, स्पेस कोई भी ना आए बीच में। या फिर आप वेबसाइट की लिंक को कॉपी करके अपना डायरेक्ट एफिलिएट लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट को रेफ़र करने वाला लिंक। ठीक है, ये हो गया वेबसाइट को रेफ़र करने वाला लिंक जनरेट। तो मेरी एफिलिएट आईडी 723 है, ये मिक्स आती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अब आ जाते हैं मार्केट में, मार्केट को अब न्यू टैब में ओपन करते हैं। मार्केट में VR एजेंसी एक प्रोडक्ट है, इसका ये लिंक हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इस लिंक को हमें कॉपी करना है, कॉपी करके इसका हमें लिंक जनरेट करना है, और इस लिंक को हमें यहाँ से कॉपी करके फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप कहीं पे भी हम शेयर करके इसको हम फैला सकते हैं। हम इसको वेबसाइट पे भी इस प्रोडक्ट के अबाउट एक आर्टिकल लिख के वहाँ पे अपना एक बटन बना के यहाँ पे, या वो बटन के पीछे ये लिंक अटैच कर सकते हैं जो हमारा रेफरल लिंक होगा। हम किसी जो है इस जो भी बंदा इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, या इसकी कैटेगरी के किसी भी बंदे में को हम टेक्स्ट करके, मैसेज करके ये प्रोडक्ट उसको रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर वो एक बार परचेज़ कर लेता है तो हमें डॉलर्स में जो है वो कमीशन मिलेगा, और जो हमारी ऊपर तक टीम को भी मिलेगा, और जो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इसमें आगे जो प्रोडक्ट सेलिंग है, इसको मैं एंड पे आपको पूरा गाइड करूँगा कैसे करते हैं प्रोडक्ट को सेल। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक अगली वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। प्रोडक्ट सेलिंग एक बड़ी एडवांस चीज़ है और बड़ी इजी है, किसी जगह से ये बहुत इजी है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कैसे आपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, आपने कैसे इन्हीं जगह से इन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को सेल करवाना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेफरल्स। प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, आप जो सा मर्जी चूज़ कर सकते हो यहाँ से। फिर हमारे पास आ जाते हैं रेफरल्स, रेफरल्स में आ जाते हैं वेरीफाइड रेफरल्स, अनवेरीफाइड रेफरल्स और टोटल नंबर ऑफ रेफरल्स। यहाँ पे वेरीफाइड में वो रेफरल्स होंगे जो हमारे
रिफ्यूज़ नहीं हो सकते। और एक बार कोई रेफरल वेरीफाई हो गया, इसका मतलब उसकी अर्निंग हमें सैटरडे वाले दिन आ ही रही है, ठीक है। और वेट अ मिनट, एम्बुलेंस गुजर रही थी। अच्छा तो नेक्स्ट है अनवेरीफाइड वेरीफाइड, उसका पता चल गया आपको। ये सारी डिटेल्स आपकी इधर शो होती रहेगी, टाइम और डेट्स के साथ, डिस्क्रिप्शंस के साथ भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती रहेगी एक आईडी के साथ। इन केस आपको किसी भी आईडी के रेलिवेंट रेफरल में प्रॉब्लम आती है, आप उस आईडी का यूज़ करते हुए सपोर्ट टीम से बात करके आप उसका जो है सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। तो फिर पेमेंट्स में आ जाते हैं, पेमेंट्स में यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट जो हमें रिसीव हो जाती है वो लिखते हैं, और लिखते नहीं हैं, आई एम सॉरी, मतलब कि वो यहाँ पे शो होती है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो होती हैं। तो ये तो है खाली अकाउंट, मैं ऐसा करता हूँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। क्योंकि आज ही हमें जो है पेमेंट्स आई थी, और मैं इन वीडियोस पे काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो मैंने जो है अपने अकाउंट पे कुछ भी काम नहीं किया, और मुझे लास्ट जो है 480 समथिंग डॉलर्स रिसीव हो चुके हैं मेरे। अब मैं इन वीडियोस का यूज़ करके अपने रेफरल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, और रात मुझे पेमेंट आई है, आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो अर्निंग भी मेरी बढ़ती ही जाएगी। अच्छा मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये अकाउंट ओपन हो रहा है, यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ मैं। बाकी चीज़ें आपको मैं अपने अकाउंट के थ्रू गाइड करता हूँ।